श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जय साईराम। तो आज हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं ये है आपका जो मिक्सिंग कंसोल है उसके साथ आप अपना जो साउंड कार्ड उसको कनेक्शन कैसे करेंगे। कुछ ऐसे कमेंट्स हमारे पास आए थे कि उसमें पूछा गया था हमारे पास जो मिक्सिंग कंसोल है उसके साथ हमारा जो साउंड कार्ड जो है उसको कैसे हम कनेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स एक्चुअली ये बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप कुछ होम स्टूडियो बनाने जाएंगे ऑब्वियसली आपको एक मिक्सिंग कंसोल चाहिए। हो सकता है ये डिजिटल मिक्सिंग कंसोल है लेकिन हो सकता है कि आपके पास एनालॉग भी हो या डिजिटल भी हो मिक्सिंग कंसोल, लेकिन कनेक्शन उसका एक ही होता है। कुछ अपडेटेड मिक्सिंग कंसोल ऐसे कुछ है जिसके पास जिसके अंदर पहले से ही साउंड कर दिया हुआ रहता है, और कुछ ऐसा भी आपको मिक्सिंग कंसोल मिलेगा जिसके अंदर इनबिल्ट साउंड कार्ड है और अच्छा क्वालिटी साउंड कार्ड है। तो खैर छोड़िए, मैं मान लेता हूँ कि जो मिक्सिंग कंसोल आपके पास है एनालॉग या डिजिटल उसके अंदर अगर आपका साउंड कार्ड नहीं है इनबिल्ट साउंड कार्ड नहीं है तो आपका एक्सटर्नल साउंड कार्ड को कैसे आप अपना हार्ड ड्राइव के साथ जोड़ेंगे और उसको कैसे आप कनेक्ट करेंगे आपका मिक्सिंग कंसोल के साथ आपका पास जो हार्डवेयर जो है मतलब साउंड कार्ड जो है। तो दोस्तों देखिए, पहले इसमें जो भी हो इसका पीछे जैसे ये चैनल देख रहे हैं इधर भी एक्सएलआर इनपुट कनेक्टेड हुआ है, इसको कहते हैं एक्सएलआर इनपुट कनेक्शन। आपको पता है कि पीछे तीन पिन वाला जो एक्सएलआर पॉइंट होता है उसमें सिर्फ माइक इन होता है और कुछ आउटपुट ऐसे भी होता है जिसमें भी एक्सएलआर आउटपुट बोलते हैं उसको, जिसके अंदर भी आपको एक्सएलआर आउटपुट मिलेगा तीन पिन वाला। लेकिन खास तौर पे आपको यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया है 1 to 24 इनपुट चैनल्स है, नीचे है बाकी 8, मतलब कुल मिलाकर हो गया 32 चैनल्स। लेकिन आपके पास अगर 4 चैनल 6 चैनल और 8 चैनल का मिक्सिंग कंसोल होगा फिर भी आपको वही चीज़ मिलेगा जो यहाँ पे है। और इसके साथ ये जो साउंड कार्ड आप देख रहे हैं ये है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं एविट का साउंड कार्ड, एविट का रैक। इसको देखिए, ये है एविट 003 रैक साउंड कार्ड और इसके ज़रिए प्रोटूल्स चलता है, तो बहुत ही कीमती साउंड कार्ड है ये। तो इसमें देखिए सामने जो 4 बटन्स है, इसमें देखिए सामने जो 4 बटन्स है ये प्री एम्प बटन्स, और पीछे का ये जो हिस्सा आप देख रहे हो ये है, मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे भी एक्सएलआर इनपुट है, यहाँ पे 4 एक्सएलआर इनपुट है जिसका प्री एम्प सामने लगा हुआ है। देखिए सामने लगा हुआ है, ये है 1 2 3 4। तो आपके पास जैसे भी साउंड कार्ड हो ये सब फीचर आपके पास रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो इसके साथ कैसे कनेक्ट करेंगे, तो देखिए दोस्तों पहले आप साउंड कार्ड को इस तरह मतलब सेट कीजिए, यहाँ पे पावर दीजिएगा जहाँ पे आपका पावर चाहिए पावर दीजिए, और यहाँ पे जो इनपुट है 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो इनपुट है इनपुट पे आपको कनेक्शन करना पड़ेगा। और इसका पीछे ऑक्सिलरी ट्रैक में देखिएगा, कोई भी मिक्सिंग कंसोल पे हो सकता है कि उसके 4 बास हो, 4 बास होगा नहीं तो 8 बास होगा। तो इसके साथ कनेक्ट करने के लिए इसके पीछे भी एक ऐसा कनेक्टर रहता है जिसको TS कनेक्शन बोलते हैं। तो TS कनेक्शन के साथ आप कैसे कनेक्ट करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए आपको चाहिए, इसके लिए आपको चाहिए ऐसा एक वायर, इसे कहते हैं स्नैक केबल, TS स्नैक केबल बोलते हैं इसको। देखिए एक ही केबल के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 केबल्स है, एक ही मतलब मोटा एक केबल है उसके अंदर 8 केबल्स है, ठीक है। इधर भी देखिए सेम 8 TS आउटपुट है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें RCA कनेक्शन भी है, आपको चाहें इसमें पिन डाल के उसको आप TS कनेक्शन भी कर सकते हैं। यहाँ से जो आउटपुट आपको निकलेगा इसमें आपको क्या करना है, इसका ऑक्सिलरी बस नहीं, इसका बस जो है हर एक बस का पीछे एक आउटपुट पोर्ट रहता है उसमें नंबर वाइज उसमें घुसा दीजिएगा,
याद रखिए जो आप यहाँ पे एक नंबर पे दे रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे आप ये लगा दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 करके लगा दिया पीछे, जहाँ से आपका ऑक्सिलरी आउटपुट निकल रहा है, मतलब जिसको हम बास बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग बास बोलेंगे इसको, बास कनेक्शन, ठीक है। तो बास कनेक्शन जरिए 8 कनेक्शन इसमें आ रहा है और यहाँ पे 8 कनेक्शन इनपुट हो रहा है, जैसे 1 ये वाला 1 हो गया। इसको आप दो भी कर सकते हैं अगर वहाँ पे दो लगा हुआ है तो, अगर दो नंबर पे वो लगा हुआ है तो आप दो कर सकते हैं। ऐसे करते हुए आपको कनेक्शन देना पड़ेगा, देखिए 1 2 3 4 और नीचे 5 6 7 and 8। तो देखिए आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे कनेक्टेड है, मतलब जो सिग्नल आपका बास के जरिए से मिक्सर से लेके, जब मिक्सर से आप बासिंग कर रहे हो तो जब दो ये दो चैनल को आप एक नंबर बास से रोटिंग कर रहे हो तो सेम सिग्नल थ्रो आउट हो रहा है, कहाँ, यहाँ पे आ रहा है। अभी ऐसा करते हुए आपको सारे के सारे जितना चैनल्स आपको चाहिए आप उसको राउटिंग करके 8 बस के अंदर, नहीं तो आपके पास अगर 4 बस वाला है तो 4 बस के अंदर आप ला दिया और उसको सेंड किया। अभी यहाँ से जितना लेवल आप उसको उठाएंगे उतना ही लेवल लेकिन इसके अंदर जाएगा। आपको वो चेक करना है पेट्रोल्स के अंदर, जब आप रिकॉर्ड इनेबल करेंगे तो उसका सिग्नल दिखाएगा वहाँ पे। ऑब्वियसली ये जो बास आपने यहाँ पे सेट किया है अकॉर्डिंग टू दिस बास सेक्शन, इसका जो असाइन पोर्ट है वो असाइन पोर्ट यहाँ पे लेकिन होना चाहिए। अभी साउंड कार्ड से लेके ये सिग्नल कंप्यूटर में प्रोसेस होगा। तो आपके पास यूएसबी वाला साउंड कार्ड हो या फायरवायर पोर्ट अगर साउंड कार्ड में है तो उसके साथ आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है ताकि कंप्यूटर उसको पहचान सके और प्रोटूस भी उसको पहचान सके, और उसके बाद वो सिग्नल कंप्यूटर में जाकर प्रोसेस होगा, फिर आके वो यहाँ पे आउटपुट के लिए तैयार हो जाएगा, मतलब साउंड आउटपुट देगा। अभी आउटपुट जाने के लिए आपको एक वायर चाहिए। ये वायर कैसे कनेक्ट करेंगे, ये भी एक केबल है, जस्ट स्टीरियो केबल, TS केबल बट स्टीरियो केबल, और केबल अच्छा होना चाहिए, जैसे कि ये कम्प्लीटली ये भी जो देख रहे हैं ये भी इम्पोर्टेड है। कुछ इंडियन केबल से जो खुला मार्केट में हमको मिलता है वो ठीक ठाक आवाज़ नहीं करता क्योंकि उसका अंदर नॉइज़ रहता है बहुत, तो वैसे ही कुछ वायर आप खरीद लीजिएगा। ये देखिए इसका जो आउटपुट है वो आउटपुट पे कनेक्ट कीजिएगा, एक लेफ्ट में एक राइट में कनेक्ट किया, और ये जाके कोई भी आपका जो इनपुट यहाँ पर पीछे का जो इनपुट है, क्योंकि पीछे का इनपुट मतलब इस मिक्सर का जो इनपुट है, बास इनपुट नहीं, मिक्सर का जो इनपुट है, आप ऐसे करके कनेक्ट कर दीजिए 15-16 नंबर पे। तो 15-16 हो गया आपका रिटर्न। तो जब भी आप काम करेंगे 15-16 जो आपका चैनल है उसमें आप जो कर रहे हैं यहाँ पे उसका साउंड आपको सुनाई देगा। मिक्सर का मास्टर उठाएंगे, मास्टर फेडर जब उठाएंगे तो आवाज़ बढ़ेगा, मास्टर फेडर थोड़ा नीचे करेंगे तो आवाज़ घट जाएगा। तो इस तरह से आपको सिर्फ कनेक्शन करना है, ये है बहुत ही सिंपल सा कनेक्शन। आपको सिर्फ एक बार समझना है कि आप सिग्नल को कहाँ से थ्रो कर रहे हैं। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, मिक्सिंग कंसोल से आपको रूटिंग करने के लिए आपके पास जो मिक्सिंग कंसोल है ऑब्वियसली वहाँ पर कुछ बास रहेगा, तो बोलते हैं उसको सब ग्रुप, नहीं तो बास। आप देखेंगे कि वो सब ग्रुप बोलते हैं, सब ग्रुप 1, सब ग्रुप 2, सब ग्रुप 3, सब ग्रुप 4 ऐसा कुछ है। लेकिन जो बड़ा वाला जो एनालॉग मिक्सिंग कंसोल होगा या डिजिटल मिक्सिंग कंसोल होगा उसमें लेकिन आपको मिलेगा बास सिस्टम कि बास नंबर, ऑक्सिलरी बास 1, ऑक्सिलरी बास 2, ऑक्सिलरी बास 3 ऐसे करते हुए जितना फैसिलिटीज है इसके अंदर उतना बास आपको दिखाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपके पास अगर 4 बास वाला मिक्सिंग कंसोल है तो सिर्फ आप ये 4 बास को आप एक्सेस कर सकते हैं, बाकी 4 इसके अंदर जो 4 वायर है वो इनएक्टिव रह जाएगा, कोई नेगेटिव रह जाएगा, उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब आप एट अ टाइम यहाँ पे 4 ट्रैक में आप रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन आपके पास अगर 8 बस है मतलब पूरा 8 बस को आप एक्सेस कर रहे हो ये स्नैक केबल के जरिए, तो यहाँ पे आप साइमल्टेनियसली 8 ट्रैक में रिकॉर्ड कर सकते हो सेपरेटली। तो ये था सिंपल सा केबल कनेक्शन जो आप डिजिटल मिक्सिंग कंसोल में हो या एनालॉग मिक्सिंग कंसोल में आपका साउंड कार्ड के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। हम लोग मिलते हैं अगला एपिसोड लगे, तब तक के लिए नमस्कार जी।